डैड ने अपनी पहचान से बात फास्ट ट्रैक करवा दी है, कॉल कभी भी आ सकता है। वो दोनों कुत्ती है। कौन दोनों? वो सामने सामने। अरे जाती पोटली, तू नाश्ता कर, उनको बाद में देखते हैं। बप्पा, प्लीज डैड को वापस भेज दीजिए ना। अगर आपने उन्हें जिंदा रखा है तो उन्हें लौटा दीजिए ना, प्लीज। हाय राशि, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? गुड। आप कब आए? कल रात ही आया, पुष्पा जी से बात हुई मेरी, जो कुछ भी हुआ पता है मुझे। सर I'm so confused, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ, कम सिट, सिट। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। बट अंटिल देन मेक श्योर के यू डोंट रश योर थॉट्स। अच्छा बाय द वे, मैंने सुना कि तुम पाटन चली गई थी ऑन फील्ड असाइनमेंट के लिए। हाँ, बहुत मजा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना वहां पे। फिलहाल राशि को उसी के उम्र के किसी कंधे की जरूरत है जो उसे समझ सके। और फिर यहां पर आई, सबको सरप्राइज देने आई थी, खुद शौक में चली गई। राशि बहुत बड़े सदमे में है विक्रम, बेचारी एकदम मुरझा गई। आई नो, उसी का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। डोंट वरी, शी'ल बी फाइन। इससे क्या हुआ? लाइए खिलौना मुझे तो। खिलौना? हाँ ठीक है, लेके देखिए। अच्छा जा जा। अरे बाबा, अरे बाबा, आपको पता है चौल में ना सिर्फ चार पांच लोग हैं जिसकी गोदी में ये जाता है, अदरवाइज तो सबके पास जाते बस रोना शुरू। बंदा इंटेलिजेंट है, चॉइस तो ऊंची होगी ना इसकी। अच्छा तो फिर आप एक काम कीजिए ना, 5 मिनट इसे संभालिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ये खिलौना भी रखिए। अरे सॉरी, ओए हीरो, तुम्हारी मम्मी ने तो चांस पे डांस कर लिया यार। अब तुम मेरे साथ है। ए? ए? हाय, ओए, ओए।
इसे यहाँ मत रखो। तुम्हारी आई भगवान जी के पास गई है ना? मेरे डैड का अभी तक कुछ पता नहीं है। तुम्हें यकीन है, लेकिन मैं अभी भी सच्चाई और शक के बीच में झूल रही हूँ। मैं मेरी आई को बोलूंगी भगवान जी को पूछने के लिए आपके डैड के बारे में। अब रोना मत राशि दीदी। अश्विन, एडॉप्शन सेंटर से कॉल था। इट्स ओके, डोंट वरी, इट्स ओके। हम लोग एक काम करते हैं, पॉजिटिव रिकमेंडेशंस के लिए हम लोग 14 वालों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उन लोगों ने साफ साफ मना तो नहीं किया ना? नहीं। ठीक है, हम लोग उनसे बात करेंगे, रिक्वेस्ट देम कि वो लोग अपना फैसला चेंज कर लें। ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है अश्वन, कहीं कोई बात गलत हो गई हो, वो लोग हमसे सुरक्षा कुछ छीन लेंगे तो पापा को क्रिमिनल पॉजिटिव वाले भी हर्डल बन सकता है। वो लोग सुरा को हमसे तोड़ ले जाएंगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। सुरा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे पास, डोंट वरी। टाइम बहुत है ना पुष्पा आंटी, वो लोग हमारी बस्ती में बुलडोजर चला देंगे, बेघर हो जाएंगे हम सब लोग। शांत हो जा, शांत हो जा। मैंने अपना इस्तीफा दिया लेकिन संगीता ताई ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। तू जा, जाके बस्ती वालों को बोल दे मेरा नाम बिंदास। मैं कोई हल निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब तक आवेश में आकर कुछ गलत कदम मत उठाना। ठीक है आंटी। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सब रास्ते पे आ जाएंगे, प्लीज कुछ किसी जगह। मैंने बोला ना मैं कुछ करती हूँ पकिया, तू शांत हो जा पहले, रोना बंद कर, एकदम शांत दिमाग से जा। हाँ, जा मैं कुछ करती हूँ। हाँ सर, आपने बुलाया था। यस राशि, बैठो। देखो राशि, मैं जानता हूँ फिलहाल तुम किस दौर से गुजर रही हो। पुष्पा जी और तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं, मैं भी हूं, इसलिए सोचा क्यों ना मिलकर कुछ बातें करें उसी मुद्दे पर। Now I'm much better. It's just that... एक शक तुम्हारे जहन में घर घर गया है राशि, तुम्हारे डैड को लेकर, वो जिंदा है या नहीं ये बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, और इसी बात के कारण कई बार तुम अपने डैड को अपने आसपास इमेजिन भी कर लेती हो, राइट? यस। तुम्हें पता मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादातर किसी से बात नहीं किया आज तक, जो स्पेशल टू मी, मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। मुझे लगता है कि मे बी वो सारी बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। श्योर सर। अब ये क्या नया टूट निकाला एडॉप्शन वालों ने? बस यही बाकी रह गया था लाइफ में, साला कुछ अच्छा करने जाओ, अच्छा सोचने जाओ तो कोई ना कोई आ ही जाता है टांग लाने के लिए। एक काम सीधू उतरतू हो तो। एक मिनट, स्वरा को तो तुम दोनों गोद लेने वाले हो ना, उससे दिलीप ने अपने भूतकाल में क्या किया ये क्यों जोड़ रहे हैं वो लोग? दिलीप थोड़ी ना गोद लेने वाला है, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है स्वरा के साथ। हर एक अनाथ बच्ची को छत मिलेगी, प्यार मिलेगा, परिवार मिलेगा, वो नहीं दिखता है। और वहां पकिया की बस्ती में 110 परिवारों के सर से छत छीनने की तैयारी में है सरकार, गरीब कैसे लड़ेगा अपने लिए? आई एम सॉरी है बप्पा, लेकिन कभी कभी मुझे आपके काम करने की पद्धति ना समझ में नहीं आती, कब किसको कितनी परेशानी देनी उसका कोई धारा धोरा नहीं है।
दीप्ति बस फिर परेशान मत हो, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ करेंगे हम। उन लोगों ने बिना हमारे घर का माहौल देखे डिसाइड कर लिया ना कि स्वरा के लिए ये माहौल अनुकूल नहीं है, तो हम उन्हें दिखाएंगे यहाँ का माहौल, सारे चाल वालों का सपोर्ट लेंगे। है ना हमारे साथ सोनल बहन है, मनीष भाई है, एमएलए राज पाटिल साहब है, संगीता ताई है, कॉर्पोरेटर बापोद्रा हमारे साथ है, उन सबका सपोर्ट लेंगे, इकट्ठा करेंगे सबको। अगर और भी ऊपर जाना पड़ा ना तो भी जाएंगे, देवी जी से भी बात करूंगी, केस भी करना पड़ा तो भी करेंगे, लेकिन स्वरा कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं संगीता ताई से मिलकर आती हूँ, परेशान नहीं होना। अच्छा प्रेजेंट किया है रुक्मणि तुमने, वैसे भी हमेशा से तुम्हारा काम तो बढ़िया ही रहा है। संगीता ताई एक प्रॉब्लम आ गई है। जी बोलिए पुष्पा जी। मेरे बेटे और बहू को तो आप जानती हैं ना, अश्विन और दीप्ति। उन्होंने एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया था, स्वरा नाम है बच्ची का, लेकिन अडॉप्शन सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, मीन्स के बच्ची के लिए अनुकूल नहीं है। अभी क्या बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा हो गया ना ताई तो बेचारी बच्ची को अनाथ आश्रम जाना पड़ेगा। हम लोगों का इतना लगाव हो गया उस बच्चे के साथ कि ना वो बच्ची अनाथ आश्रम में रह पाएगी और ना हम उसके बिना। आपके घर के माहौल को क्या हुआ, अच्छा खासा तो है, और अगर अश्विन और दीप्ति स्वरा को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू ताई। दरअसल प्रॉब्लम मेरे एक्स हस्बैंड दिलीप पटेल के कारण हुई, उन लोगों ने उनका बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन ताई हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी उनके साथ, तो उनकी सजा हम क्यों भुगते। सही बात है रुक्मणी। जी ताई। यू लुक आफ्टर दिस मैटर, और अगर जरूरत पड़े तो सेंटर इंचार्ज से मिलो, पर कैसे भी करके पुष्पा जी का ये मैटर सॉर्ट आउट करो। ओके जी ताई, काम हो जाएगा। पुष्पा बहन आप टेंशन मत लो। संगीता ताई ने रुक्मणी को क्यों सौंप दिया ये काम, बंदा काम बिगाड़ देगी ये। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।